हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो आज हम करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई मूवी मुंजिया का रिव्यू। हाँ, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सो ये मूवी मोडॉक स्टूडियोज की तरफ से आई और ये भी ऑब्वियसली इनके हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है। सो ये मूवी लूजली बेस्ड है इंडियन फोक टेल्स के ऊपर। सो चलो थोड़ा सा इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये स्टोरी है मुंजिया नाम के एक घोस्ट या कह लो ब्रह्म राक्षस की। नहीं भाई, तू नहीं, इसे हटाओ यहाँ से। क्या इतना बुरा? मुंजिया एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने वाला छोटा सा लड़का होता है, जिसे अपने से 7-8 साल बड़ी उम्र की एक दूसरी ब्राह्मण लड़की मुन्नी से प्यार हो जाता है। विच मीन्स ये हरामी लौंडा भाभियों का शौकीन है। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। बट अफसोस, चाइल्ड मैरिज आर नॉट अलाउड इन इंडिया एनीमोर। जिसका मतलब क्या मतलब है, राजस्थान में भी होती है? अरे नहीं होती भाई, मैं खुद राजस्थान से हूँ। इसके अलावा इनका एज डिफरेंस भी काफी ज्यादा है, तो समाज इसके प्यार को रेड फ्लैग दिखा देता है और उसकी माँ लौंडे को कूट कर इसका मुंडन करवा देती है। क्योंकि ठरक इसके सर पे चढ़ी हुई थी, तो ये किसी की नहीं सुनता और मुन्नी को पाने के लिए करता है काला जादू। लेकिन तुम ही बताओ, काले जादू से आज तक किसी का फायदा हुआ है? नहीं। तो फिर इसका कैसे होता? तो ये आधी रात को जंगल में जाता है और लुढ़क जाता है। मर गया मादर, लाला। बट सिंस आदमी भले ही मर जाए, उसकी ठरक कभी नहीं मरती। सो ये मुंजिया बनकर वापस लौटता है मुन्नी से शादी करने के लिए। वेल, तो ये तो हो गई मूवी की स्टोरी की बात। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए थिएटर जाकर मूवी देखो। एंड अब अगर बात करें मूवी की कास्टिंग पर, तो मूवी की लीड कास्टिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इनकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। अब क्योंकि ये मूवी हॉरर कॉमेडी जॉनरा से बिलोंग करती है, तो एक्ट करना वैसे ही काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बंदे ने काफी अच्छा काम किया है। एंड बात करें VFX की, तो मुंजिया इस मूवी में पूरी तरह से एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। एंड अगर ऑनेस्टली कहूं तो इट लुक्स डिसेंट। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इस मूवी का बजट सिर्फ 30 करोड़ है, एंड इसके हिसाब से दे डिड अ फिनोमिनल जॉब, अनलाइक सम अदर हाई बजट मूवीज ऑब्वियसली। एनीवेज, तो इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें देखकर मजा आ जाएगा। एंड इफ अपना फाइनल ओपिनियन दूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि इट्स अ गुड हॉरर कॉमेडी मूवी। तुम्हें ये मूवी देखने जरूर जाना चाहिए, और अगर ऑलरेडी देख चुके हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रोहित, अबे आधी रात को कहां जा रहा है भाई? मुन्नी से मिलने।